जब बात आती है माय फर्स्ट व्लॉग की तो मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि क्या वीडियो बनाएं, क्या कंटेंट दिखाएं और क्या बोलें अपने पहले वीडियो में। तो इस वीडियो में दोस्तों एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहता हूं कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा काम भी हो जाए और मेरा माय फर्स्ट व्लॉग वाला वीडियो भी बन जाए। तो एक कैमरा इंस्टा 360 1x2 और एक सेल्फी स्टिक की मदद से आप कुछ इस तरह के वीडियोज बना सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल आता है मन में कि अगर आपने 1x2 ले लिया है या 1x3 ले लिया है तो क्या आप उससे मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टा 360 1x2 या 1x3 को मोटो व्लॉगिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने हेलमेट में लगाकर, या फिर इस तरह के वीडियोज भी बना सकते हैं एक सेल्फी स्टिक में लगाकर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मेन कॉन्टेंट की तरफ। इंस्टा 360 1x2 कैमरे से मोटो व्लॉगिंग करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा माइक एडाप्टर। तो मेरे पास दो माइक एडाप्टर है, ये है सिनोवा का माइक एडाप्टर और दूसरा ये है इंस्टा 360 का माइक एडाप्टर। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि शेप वगैरह आप देख सकते हैं थोड़ा सा अलग है। इसका पिन थोड़ा नीचे की तरफ है और इसका पिन थोड़ा ऊपर की तरफ है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। शेप के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट इस इंस्टा 360 माइक एडाप्टर को भी सिनोवा कंपनी ने ही बनाया है, दोनों सिनोवा कंपनी का ही मेक है। बस थोड़ा सा इस पर इंस्टा 360 का ब्रांडिंग कर दिया गया है और थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया है बेटर लुक के लिए। माइक एडाप्टर के बाद नंबर आता है एक अच्छी माइक का। अच्छी माइक से मेरा मतलब है कि बजट माइक भी हो सकता है उसमें और महंगा वाला माइक भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका बजट क्या है। मेरे पास है स्मैशट्रॉनिक्स का TRS पिन वाला माइक। माइक के बाद नंबर आता है इस डुअल टेप का, जो कि दोनों तरफ से चिपक जाता है। ये आपको काम आएगा आपका माइक हेलमेट के अंदर सेटअप करने के लिए। डुअल टेप के बाद नंबर आता है 3M टेप का, जो कि आपके हेलमेट के बाहर की तरफ लगेगा और ये है J माउंट होल्डर, जो कि आपके कैमरे को होल्ड करेगा J माउंट के साथ में। तो ये दो चीज़ें लगेंगी आपके हेलमेट पर। अगर आप चाहें तो एक बड़ा स्ट्राइप आता है हेलमेट माउंट जिसे कहते हैं, मैं उसका पिक्चर शेयर कर देता हूं, तो ये वाला भी आप माउंट खरीद सकते हैं, ये भी बहुत रिलायबल है। अगर आप अपना हेलमेट ख़राब नहीं करना चाहते MCL वगैरह लगाकर। इसके बाद नंबर आता है J माउंट का, ये है J माउंट जो कि इस हेलमेट माउंट में लग जाएगा। ये कुछ इस तरह से लग जाएगा आपके हेलमेट माउंट में और ये हेलमेट माउंट आपके हेलमेट में हमेशा चिपका हुआ रहेगा। आप जब चाहें इस J माउंट को निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। अब क्योंकि इंस्टा 360 कैमरे के बेस में एक क्वार्टर इंच का होल है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी एक क्वार्टर इंच स्क्रू की, यह आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा। इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहे तो वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने हेलमेट में अपना माइक सेटअप किया है, ये आप देख सकते हैं। जो डुअल टेप मैंने दिखाया था उस डुअल टेप की मदद से माइक को यहाँ पर चिपका दिया है ठीक सामने की तरफ, ताकि आवाज़ सही से रिकॉर्ड हो। और बाकी का जो माइक का हिस्सा है उसे मैंने इस कुशन के पीछे डाल दिया है और वहाँ से मैंने इस पिन को भी निकाल लिया है बाहर की तरफ, ये अपने कैमरे के अंदर लग जाएगा। तो चलिए अब इस J माउंट के अंदर हम इस क्वार्टर इंच स्क्रू को फिट कर देते हैं। इसे इस तरह से लगाना है ये, और इस J माउंट के साथ में ये स्क्रू मिलता है, तो इस स्क्रू को यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे ताकि ये क्वार्टर इंच स्क्रू हिले ना। तो ये अपना क्वार्टर इंच स्क्रू फिट हो गया है इस J माउंट के अंदर। अब इस J माउंट को हेलमेट पर लगा देते हैं। ये है J माउंट, ये अपने हेलमेट में मैंने 3mm टेप के ऊपर माउंट चिपका दिया है। तो इसे ऐसे लगाकर नीचे की तरफ प्रेस कर देंगे और ये ऐसी आवाज़ आ जाएगी, मतलब ये लॉक हो गया। अब बारी आती है अपने कैमरे को हेलमेट पर सेटअप लगाने की। तो सबसे पहले हमें ये डोर निकालना पड़ेगा, उसके बाद एडाप्टर इसके अंदर लग जाएगा। तो डोर को निकालने के लिए आप डोर को खोल कर और ये जो पिन जैसा दिख रहा है इसके अंदर, इस पिन को हल्के से खींचेंगे तो ये डोर निकल जाता है। ये देखिए, इस पिन को दोबारा से इसके अंदर पुश कर देंगे इस होल के अंदर, तो ये दोबारा से फिक्स हो जाएगा। बहुत ही ईजी है इसे निकालना और लगाना। इस डोर को बहुत संभाल कर रखना है, अगर ये खो गया तो आपका कैमरा जो है वाटरप्रूफ नहीं रहेगा, क्योंकि इस डोर की वजह से ये इस चार्जिंग पॉइंट को प्रोटेक्ट करता है और इसमें पानी जाने से बचाता है। तो इस डोर को बहुत संभाल के रखना है। दूसरी बात, क्योंकि ये डोर अब निकल गया है, तो इनकेस आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं और कहीं बारिश आती है या बौछार पड़ता है
तो आपको ध्यान रखना है ये वाटरप्रूफ नहीं है, तो आपको बाइक रुका कर इस सेटअप को निकाल लेना है, वरना ये कैमरा डैमेज होने का चांसेस है। तो ये अडैप्टर हम लगा रहे हैं, ये जो अडैप्टर का पिन वाला हिस्सा है टाइप सी वाला, वो नीचे की तरफ रहेगा और ये इस चार्जिंग पॉइंट के अंदर लग जाएगा इस तरह से। अब इस कैमरे को हेलमेट पे सेट करते हैं। तो ये कैमरा अपना सेट हो गया। इन केस आपका कैमरा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, कैमरे के नीचे जो क्वार्टर इंच का बेस है इसे आप घुमाकर ढीला या टाइट करके कैमरे का एंगल सही से सेट करके और इसे टाइट कर सकते हैं ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ करने पे ये ढीला होता है, ऊपर की तरफ करने पे टाइट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये कैमरा दिखाई देगा आपके हेलमेट पर। ये आपका विजन ब्लॉक नहीं करेगा जिस तरह से ये दिखाई दे रहा है ऊपर, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसके लेवल में कैमरा आ रहा है। अब ये जो माइक हमने हेलमेट के अंदर से निकाला है उसे इस अडेप्टर के अंदर लगा देंगे कुछ इस तरह से। ये अपना सेटअप रेडी है। इस वायर को थोड़ा सा अंदर खींच लेंगे या फिर इस कैमरे के नीचे की तरफ ही ऐसे राउंड घुमा देंगे तो ये वायर भी छुप जाएगा। ये भी सेट कर लेता हूँ अंदर की तरफ और फिर आपको फुटेज दिखाता हूँ। दो फुटेज दिखाऊंगा, एक कैमरा सीधा रहेगा ऊपर की तरफ और दूसरा जो रहेगा वो कैमरा ऐसे रहेगा नीचे की तरफ। तो दोनों ही फुटेज आपको दिखाऊंगा और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा एंगल आपको ज़्यादा सही लग रहा है। मैं सजेस्ट करूँगा आप कैमरे का फेसिंग कुछ इस तरह का रखिएगा, जो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का बटन है ये बाहर की तरफ रहे ताकि आपको रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ये बटन अंदर की तरफ रह जाता है तो आपको रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करना मतलब नामुमकिन हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में इतना गैप नहीं है हेलमेट और कैमरे के बीच में कि आप उंगली पीछे की तरफ डाल सकें और इस बटन से कैमरे को ऑन कर सकें। ये आप देख सकते हैं इंस्टा 360 में दो मोड होते हैं, एक होता है 360 डिग्री मोड जिसमें कि सारा कुछ रिकॉर्ड होता है और दूसरा होता है स्टेडी कैम मोड। तो मैं इस दोनों मोड में आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। और ये 150 डिग्री जो है वो एज़ गुड एज़ GoPro है। 360 डिग्री मोड में रिकॉर्डिंग करने का एक और फ़ायदा है कि आपको हेलमेट यूँ लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे ऐसे नहीं करना पड़ता है। ऐसे लेफ़्ट राइट के व्यूज़ आप इंस्टा 360 ऐप में वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद रीफ्रेमिंग कर सकते हैं और उसके बाद अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। ये अभी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये हो रही है स्टेडी कैम मोड में 150 डिग्री, यानी कि जो कि एज़ गुड एज़ GoPro है, जिसमें आपको सिर्फ सामने की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, 360 डिग्री मोड में नहीं होगी। आई होप साउंड अच्छे से रिकॉर्ड हो रहा होगा और वीडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक होगी, बाइक की आवाज़ भी आ रही होगी। अभी हेलमेट का वाइज़र बंद है और मैं नॉर्मल से थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात कर रहा हूँ। अब मैं हेलमेट का वाइज़र खोलता हूँ। तो अभी मैंने हेलमेट का वाइज़र खोल दिया है, होप आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो रही होगी। वाइज़र बंद होने पे शायद दबी दबी आवाज़ आए, ग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं होती है जब हेलमेट का वाइज़र बंद होता है तो, और हेलमेट का वाइज़र खुला होता है तो बैकग्राउंड नॉइज़ भी रिकॉर्ड होता है और जो विंड ब्लास्ट आता है वो भी शायद थोड़ा सा रिकॉर्ड होता है। तो ये है स्टडी कैम मोड 150 डिग्री। अभी फ़िलहाल कैमरा है ऊपर की तरफ और व्यू आप देखिए, शायद हैंडल का भी व्यू आता हो क्योंकि मैंने पहले भी एक दो बार वीडियो बनाकर देखा था, अच्छा खासा व्यू आता है। 150 डिग्री एक अच्छा एंगल होता है, बहुत ही वाइड व्यू होता है। तो होप इस एंगल में व्यू अच्छा आ रहा हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या मेरी आवाज़ सही से रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। अब हम कैमरे को नीचे की तरफ करते हैं और 150 डिग्री यानी स्टडी कैम मोड में रिकॉर्डिंग करके देखते हैं कि व्यू कैसा आ रहा है। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये है स्टडी कैम मोड यानी 150 डिग्री एज़ गुड एज़ GoPro, और कैमरा है नीचे की तरफ, कैमरे का फेसिंग जो है नीचे की तरफ है। और होप साउंड भी अच्छी आ रही होगी और व्यू भी अच्छा मिल रहा होगा। वाइड एंगल तो है 150 डिग्री का और वीडियो क्वालिटी भी होपफुली अच्छी आती हो। फिलहाल हेलमेट का वाइज़र बंद है, अब ओपन करता हूँ। अब हेलमेट का वाइज़र ओपन हो गया है। इस मोड में एक आपको फ़ायदा है कि अगर आप चेस्ट माउंट लेने का सोच रहे हैं तो चेस्ट माउंट आपको नहीं लेना पड़ेगा। इस मोड में आप सीधे कैमरे को नीचे की तरफ करके और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आवाज़ कैसी आ रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अब चलिए स्विच करते हैं 360 डिग्री मोड में, कैमरे को नीचे की तरफ रख के रिकॉर्ड करते हैं। अभी आप जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये है 360 डिग्री मोड में, कैमरा है नीचे की तरफ, हेलमेट का वाइज़र खुला हुआ है, होप साउंड अच्छी रिकॉर्ड हो रही हो।
यहाँ पर थोड़ी शांति है, यहाँ ज़्यादा भीड़ भड़क का भी नहीं है और गाड़ियाँ भी बहुत कम है, तो आपको ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं सुनाई देगा। अब मैं हेलमेट का वाइज़र बंद करता हूँ। तो अभी हेलमेट का वाइज़र बंद है, 360 डिग्री मोड में रिकॉर्डिंग हो रही है और कैमरा है नीचे की तरफ। अब इसका एक फ़ायदा ये है कि आपको हेलमेट यहाँ वहाँ ऐसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप लेफ़्ट का दिखाना चाहें तो लेफ़्ट का दिखा सकते हैं, सामने का दिखाना चाहें तो सामने का, अगर आप मीटर दिखाना चाहते हैं तो मीटर, आसमान में कुछ दिखाना चाहते हैं तो आसमान में, और राइट में दिखाना है तो राइट में। सारा एंगल आप वीडियो डाउनलोड करते वक्त रीफ्रेमिंग करके दिखा सकते हैं। आपको हेलमेट को यूँ लेफ़्ट राइट ऐसे घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि गोप्रो या किसी ट्रेडिशनल एक्शन कैमरा में होता है कि अगर आपको कहीं लेफ़्ट का दिखाना है तो आपको लेफ़्ट पे हेलमेट मोड़ के दिखाना पड़ता है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज़ नहीं होगा। आपने खुद कुछ मिस कर दिया है देखने के लिए तो वो भी आप एडिटिंग करते वक्त या वीडियो डाउनलोड करते वक्त देख सकते हैं। तो चलिए अब कैमरे को ऊपर की तरफ करते हैं और अपने फाइनल मोड में रिकॉर्डिंग करते हैं और देखते हैं कैसा फुटेज बनता है और कैसी साउंड रिकॉर्ड होती है। अभी जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये है 360 डिग्री मोड में, कैमरा है ऊपर की तरफ स्ट्रेट लगाया हुआ है और होप साउंड अच्छी रिकॉर्ड हो रही होगी। हेलमेट का वाइज़र बंद है, अब हेलमेट का वाइज़र खोल देता हूँ। अब हेलमेट का वाइज़र खुला हुआ है और विंड ब्लास्ट आ रहा है अच्छा खासा, उसके बावजूद होप नॉइज़ रिडक्शन सही से हो रहा होगा और बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा कैप्चर नहीं हो रहा होगा इसमें। वैसे भी बैकग्राउंड में ज़्यादा नॉइज़ नहीं है, सिर्फ अपने मोटरसाइकिल का आवाज़ है और मेरी आवाज़ है और जो विंड ब्लास्ट आ रहा है उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं है और ज़्यादा लोग भी नहीं है। तो दोस्तों ये है अपना इंडियन जुगाड़ इंस्टा 360 डिग्री से मोटो व्लॉगिंग करने का। अगर इन केस आपके पास कोई एक्शन कैमरा नहीं है और आप प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग के लिए एक्शन कैमरा लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा गोप्रो लीजिएगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इंस्टा 360 1x2 कैमरा ले लिया है या 1x3 ले लिया है, उनको अगर मोटो व्लॉगिंग करनी है अपने कैमरा से और सोच रहे हैं कि दूसरा एक्शन कैमरा ना लेना पड़े, तो उनके लिए ये वीडियो है। वो ये सेटअप यूज़ करके अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप बना सकते हैं और मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप प्योरली मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि गोप्रो का कैमरा लीजिए। अगर आप 40,000 का इंस्टा 360 ले रहे हैं तो उससे बेटर है गोप्रो 10 या गोप्रो 11, जो भी आपके बजट में हो वो ले लीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी X2 ले लिया है और आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस तरह से सेटअप करके मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसी है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह के वीडियोस अगर और आप देखना चाहते हैं या आपका कोई सुझाव है या कोई भी वीडियो आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं वो वीडियो बना दूंगा और अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।